गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माई क्लास टीचर एडुकेशन अकेडमी। इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर माइक्रो लेसन प्लान ऑफ सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल। कुछ स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि प्रोबिंग क्वेश्चनिंग पर जोलॉजी का एक प्लान बता दीजिए, क्योंकि याद रखिएगा कि 6th, 7th, 8th यहाँ तक 10th तक भी जो है कोई बाइफर्केशन नहीं होता है। बायोलॉजी के अंदर ही हम लोग जो है बॉटनी और जूलॉजी पढ़ते हैं, इंटर में ही होता है। तो आप इसको मेंशन नहीं करिएगा, क्योंकि जो 6th, 7th, 8th में जो हम लोग पढ़ते हैं वो सब बायोलॉजी के अंडर ही पढ़ा जाता है। कुछ स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि स्पेसिफिक टॉपिक बॉडी मूवमेंट्स के ऊपर जो है एक प्रोबिंग क्वेश्चनिंग समझा दें, बॉडी मूवमेंट्स, और इसका सब टॉपिक है आज का स्केलेटन सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पर हम लोग हमेशा की तरह लिखेंगे माइक्रो लेसन प्लान, डेट आज की डेट डालेंगे। आज की डेट है 17/5/2022। सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 7th क्लास का प्लान है, पीरियड 2nd, ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है 6 मिनट्स का होगा। टॉपिक मैं बताऊंगा आपको कब लिखना है। स्किल, आज की जो स्किल है वो है प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल। इसके हम लोग कंपोनेंट्स देख लेते हैं, प्रॉम्प्टिंग, दूसरा है सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, थर्ड है रिफोकसिंग, फोर्थ है रीडायरेक्टिंग, और लास्ट वन है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जब प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। आप क्या करेंगे, स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग कहेंगे क्लास में जाकर, और एक स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे, स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट बॉडी मूवमेंट्स स्केलेटन सिस्टम। तो हमारा जो आज का टॉपिक है बॉडी मूवमेंट्स, और सब टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम। और फिर ये बोलने के बाद आप टॉप के ऊपर जो हमने छोड़ रखी थी स्पेस, यहाँ पर हम लोग टॉपिक लिख देंगे। इस तरह से हम लोग टॉपिक लिख देते हैं, और टॉपिक को हम लोग हमेशा की तरह अंडरलाइन कर देते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लेनी है। ये आपको नहीं लिखना है टीचर एडुकेशन अकेडमी, ये मेरे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीरियल नंबर पहले डालेंगे पहले कॉलम में, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में पीपल रिस्पॉन्स, और लास्ट में हम लोग कंपोनेंट्स लिखते हैं, उसके सिर्फ नंबर लिखते हुए चलते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल होती क्या है। जब कभी भी हम लोग क्लास में जो है स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते हैं, तो कभी हमें रिस्पांस नहीं मिलता है स्टूडेंट से। हमने क्वेश्चन किया, स्टूडेंट से कोई रिस्पांस नहीं आया, तो हम लोग प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल का यूज़ करते हैं कि स्टूडेंट को हम लोग मोटिवेट करते हैं, बूस्टअप करते हैं, ताकि उसी से ही हम लोग को आंसर निकलवाना है। आप आंसर डायरेक्ट नहीं बताते हैं क्लास में। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आप स्टूडेंट से मैं पुटअप कर रहा हूँ, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम। तो स्टूडेंट से जो है कोई रिस्पांस नहीं आया, अब हम क्या करेंगे, उसी टॉपिक बगैर आंसर दिए, उसी टॉपिक से रिलेटेड हम थोड़े से इजी क्वेश्चन हमने स्टूडेंट से पूछा, वेयर इज आवर ब्रेन प्रोटेक्टेड। स्टूडेंट से रिस्पांस क्या आएगा, इजी क्वेश्चन था, आवर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन आवर हेड। इतना स्टूडेंट ने आंसर दिया, और कंपोनेंट कौन सा यूज हुआ है, नंबर 1। अब देखते हैं नंबर 1 है क्या। नंबर 1 है हमारा प्रॉम्प्टिंग। देखिए, प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है बूस्टअप करना है और मोटिवेट करना है। स्टूडेंट को मैं प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ, बूस्ट कर रहा हूँ, उसको मैं मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, स्टूडेंट ने जैसे पहले आंसर नहीं दे पाया, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाएगा। अब मैंने उससे ईजी क्वेश्चन किया, उसने आसानी से आंसर दे दिया, तो ये क्या है, थोड़ा सा मैंने प्रॉम्प्ट किया उसको मोटिवेट करने के लिए, उससे ईजी क्वेश्चन कह रहे, तो ये पहला कंपोनेंट हो गया। अब मैंने फर्दर उससे सेकेंड क्वेश्चन किया, व्हाट हार्ड सब्सटेंस गिव्स शेप टू अवर फेस। आंसर क्या है, बोन्स गिव शेप टू आवर फेस। इजी होगा, स्टूडेंट आसानी से बता देगा कि हमारा फेस जो है को शेप कौन देता है, क्योंकि हार्ड होता है बोन्स, वो शेप देती है। सेकंड कंपोनेंट यूज़ हो गया। अब सेकंड क्या है, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, मैंने स्टूडेंट से एक और इजी क्वेश्चन पूछा जो इसी से रिलेटेड था टॉपिक से ही, लेकिन स्टूडेंट से बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो उसने जब दिया तो मैंने सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, मैंने उससे और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी कि उसको इसके बारे में और क्या आता है। फिर अब थर्ड पूछे, व्हाट इफ द बोन्स आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। स्टूडेंट्स आंसर क्या है, आवर बॉडी बिकम्स वेरी सॉफ्ट। मैंने पूछा कि अगर बोन्स अगर निकाल दी जाए बॉडी से, तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये थर्ड कंपोनेंट यूज हो गया। थर्ड क्या है, रीफोकसिंग। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन किया कि व्हाट इफ़ द बोन्स आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। अब स्टूडेंट ने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि अगर बोन्स रिमूव हो जाए बॉडी से तो क्या होगा। उसको ध्यान आएगा कि नहीं, अगर बॉडी से बोन रिमूव हो जाएगी तो बॉडी, क्योंकि अभी हमने पूछा था कि शेप देती है बोन, तो स्टूडेंट ने आंसर दिया था, तो इसने कहा कि अवर बॉडी बिकम्स वेरी सॉफ्ट, अगर बोन्स रिमूव हो जाएगी तो बॉडी सॉफ्ट हो जाएगी। अब क्या किया मैंने, उसको उसी टॉपिक के ऊपर मैंने उसको रीफोकस किया है, कि उसको अटेंटिव किया है मैंने उसको। पहले सेकंड क्वेश्चन से मैंने उसको बूस्टअप किया, उसमें एनर्जी भरी, फिर उसके गिव्स शेप टू आवर फोर्स, जो मैंने थर्ड क्वेश्चन किया उससे मैंने उसको
फर्दर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी, और थर्ड में मैंने उसको रीफोकस करने को कहा कि टॉपिक के ऊपर जो है वो थोड़ा सा अटेंटिव हो गया क्योंकि आंसर उसको मिलना शुरू हो गए हैं, तो उसका मैंने अटेंशन क्रिएट किया है फोर्थ क्वेश्चन पूछ के रीफोकसिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, वेयर डू वी फाइंड लार्जेस्ट बोन्स इन आवर बॉडी। तो आंसर क्या आएगा, वी फाइंड लार्जेस्ट बोन्स इन आवर लेग्स एंड आर्म्स। इजी क्वेश्चन था, लेग्स एंड आर्म्स में लार्जेस्ट बोन प्रेजेंट होती है, कंपोनेंट कौन सा, नंबर फोर्थ। अब क्या है, रीडायरेक्टिंग है। अब फोर्थ होता है रीडायरेक्टिंग। देखिए मैंने क्या किया, जिससे मैंने क्वेश्चन किया ये भी बहुत ईजी था, लेकिन मैंने क्या किया है कि ये क्वेश्चन पूछते हुए मैंने अपने टॉपिक की ओर, जो मेरा टॉपिक था जैसे क्या था, स्केल्टन सिस्टम, मैंने उसे पूछा, तो मैंने जो है उसी स्केल्टन सिस्टम की ओर मैं इसको ले जा रहा हूँ, रीडायरेक्ट कर रहा हूँ कि अपने टॉपिक की ओर मैं पहुँच जाऊँ, स्टूडेंट से ये आंसर मिलना शुरू हो जाए। फिर लास्ट क्वेश्चन किया, विच स्ट्रॉन्ग बोन्स हेल्प अस टू मूव फास्ट। तो स्टूडेंट से आंसर आया कि आवर लेग्स बोन्स हेल्प अस टू मूव फास्ट। तो यहाँ पर भी मैंने फोर्थ कंपोनेंट यूज़ किया। अब फोर्थ क्या था, वही था रीडायरेक्टिंग। तो मैं स्टूडेंट को अपने ही टॉपिक की ओर वापस मोड़ रहा हूँ, जो मेरा टॉपिक था स्केल्टन सिस्टम, तो मैंने उसको फिर से रीडायरेक्ट किया अपने टॉपिक की तरफ। अब आप एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा कि आवर स्केल्टन सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स, द हार्ड बोन्स गिव प्रोटेक्शन टू आवर ब्रेन, इट गिव शेप टू आवर फेस एंड बॉडी, एंड फाइनली इट हेल्प अस टू वॉक एंड मूव फास्ट ऑन द ग्राउंड, एग्जाम्पल लेग बोन्स। यानी लेग बोन्स हमें हेल्प करती है ग्राउंड पर चलने और तेज़ दौड़ने के लिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, लिसनिंग केयरफुली, कंपोनेंट नंबर फाइव। अब फाइव क्या है, इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। अब देखिए जो हमने फिफ्थ कंपोनेंट यूज़ किया है वो है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। अब देखिए जो भी मैंने क्वेश्चन किया था यहाँ पर, व्हाट आर द फंक्शन था स्केल्टन सिस्टम, स्टूडेंट से कोई रिस्पांस नहीं आया था, फिर हमने उसको प्रॉम्प्ट किया, उसमें एनर्जी भरी, उसको बूस्टअप किया, फिर उससे मैंने इन्फॉर्मेशन फर्दर लिया, सेकंड जो कंपोनेंट यूज़ हुआ, फिर उसको रीफोकस किया, और फिर मैंने उसी क्वेश्चन को, मैंने टॉपिक की ओर उसको रीडायरेक्ट करने की कोशिश करी, और फिर उसके बाद जो भी स्टूडेंट से हमें आंसर मिले थे उसको मैंने एक्सप्लेनेशन में उन्हीं को ही यूज़ करते हुए मैंने एक्सप्लेन किया है, छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया फिफ्थ कंपोनेंट। तो उनकी मैंने क्रिटिकल अवेयरनेस बढ़ाई, देखिए उनको सब आता था, बस उनको ये नहीं पता था कि जो है इस ये जो स्केल्टन सिस्टम है ये उनको आता है, बस मैंने उसको उनमें थोड़ी सी एनर्जी भरी, उनसे इन्फॉर्मेशन लिया और मैं अपने टॉपिक तक पहुँच गया। अब देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन, आवर स्केल्टन सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स, द हार्ड बोन्स गिव प्रोटेक्शन टू आवर ब्रेन। अब ऊपर देखते हैं हम लोग ने व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्केल्टन सिस्टम, इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो मैंने जो फर्दर क्वेश्चन किया, वेयर इज आवर ब्रेन प्रोटेक्टेड, आवर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन आवर हेड। अब देखिए मेरा जो एक्सप्लेनेशन था, आवर स्केल्टन सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स, द हार्ड बोन्स गिव प्रोटेक्शन टू आवर ब्रेन। तो ये देखिए स्टूडेंट से ही आंसर निकल कर आया, उसके पता है। फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया, व्हाट हार्ड सब्सटेंस गिव शेप टू आवर फेस, बोन्स गिव शेप टू आवर फेस। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इट गिव्स शेप टू आवर फेस एंड बॉडी, ये भी स्टूडेंट से निकल कर आया। जैसे हमने फर्दर उससे क्वेश्चन किया, व्हाट इफ द बोन्स आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी बिकम्स वेरी सॉफ्ट, तो इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्ट्रॉन्ग बोन्स हेल्प अस टू मूव फास्ट, आवर लेग बोन्स हेल्प अस टू मूव फास्ट। अब जो हमारा फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या था, एंड फाइनली इट हेल्प अस टू वॉक एंड मूव फास्ट ऑन द ग्राउंड, एग्जाम्पल लेग बोन्स। तो स्टूडेंट को ये भी क्लियर हो गया कि मूवमेंट में जो है हमारी बोन्स ही हेल्प करती है। तो तीन फंक्शंस निकल कर सामने आ गए कि प्रोटेक्शन देती है बोन्स, शेप देती है और हमें मूवमेंट में हेल्प करती है। तो अगर आप देखेंगे हमारा शुरू जो हुआ था टॉपिक स्केल्टन सिस्टम, जिसका रिस्पांस नहीं आया, तो ये सारे आंसर स्टूडेंट से निकल कर आए, तो हमारी प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल्स सक्सेसफुल होती है। चलिए फर्दर आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आपका ये टॉपिक पूरा होता है, अब एक टेबल और रह गई है, इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल कहते हैं। अब आपको क्या करना है, एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है, इसी तरह से सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स और रेटिंग स्केल फ्रिक्वेंसी आपको लिख देनी है। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 5 वही होंगे कंपोनेंट्स इसमें जो अभी हमने डिस्कस किए थे, 5 कंपोनेंट्स आपको इस सच कॉपी कर देने हैं। रेटिंग स्केल में 5, 4, 3, 2, 1 आपको दे देना है, ये आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपके सुपरवाइज़र आपको रेटिंग देंगे, अगर उनको लगता है कि पहले कंपोनेंट में 5 देना चाहिए तो वेरी गुड, सेकंड में गुड, अगर थर्ड मिलता है 3 मिलता है तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर 2 मिलता है नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर 1 मिलता है तो पुअर हो जाएगा आपकी परफॉर्मेंस। आपको रेटिंग जो है आपके सुपरवाइज़र ही देते हैं, और सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, आपकी इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशन होंगे
वो यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे अपनी सुपरवाइजर सिग्नेचर करते हैं, आपके ये माइक्रो लेसन प्लान की ये स्किल पूरी होती है। तो आई होप आपको ये बहुत ही ईजिली समझ में आया होगा, जो स्टूडेंट्स के डाउट थे क्लियर हो गए होंगे। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।